Vakratund Mahakaya, Ganesh Utsav New York and Srinath enterprises bring you fourth biggest Ganesh Utsav September 15th to September 19, 2021 at the Belarus Daily Arthi and Darshan. Stapna September 15th at 5 pm. Bisarjan September 19th at 5 pm. Accompanied with Bollywood star appearances, fashion show, food shopping. Free parking, free entry. Win big raffle prizes. For due sponsorship, call 516 324 5230. GaneshUsabNewYork.org. नमस्कार मैं अशोक व्यास और इस विशेष आयोजन में आपका स्वागत है जहाँ गणपति भगवान की कृपा बरस रही है और न्यूयॉर्कवासियों का ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे समर्पित श्रद्धालु हैं जो उत्सवों के अंदर मर्म के साथ हमें जोड़ने के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि गणपति उत्सव की चटा और अधिक मुखरित हो जाती है और अधिक निराली हो जाती है तो आने वाले समय में 15 सितंबर से न्यूयॉर्क वासियों के लिए ही नहीं बल्कि बाहर से भी आकर जुड़े एक गणेश उत्सव का आयोजन हो रहा है और इस उत्सव के आयोजन के पीछे क्या चिंतन क्या प्रार्थनाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे और किस तरह से आप इस उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं दर्शन कर सकते हैं आनंद ले सकते हैं इस सब के बारे में बताने के लिए एक तो जो इस गणेश उत्सव की प्रेरणा का बीज जिनके भीतर आया और जिन्होंने समर्पण से इसको तीन बरस तक किया चौथा बरस है तो सबसे पहले मैं बधाई धन्यवाद के साथ में मंगल कामनाओं के साथ आ, स्वागत सुहाग मेहता जी का सुहाग जी नमस्ते स्वागत है आपको तो गणपति बापा मौर्य वक्र तुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ प्रभ कुरु मे देव सर्व कार्यु सर्वदा तो कार्य निर्विघ्न तभी संभव है जब सब मिलकर साथ आए और इस दिशा में कई संगठनों के माध्यम से भी और बहुत सारे मंदिर सामाजिक संस्थानों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आ, हमारे पका जी के नाम से जाने जाने वाले हर्षद पटेल जी हमारे नमस्ते स्वागत है आपका पका जी और एक ऐसे समर्पित भारतीय मन से जुड़े हुए दिव्येश त्रिपाठी जी जो गायन में भी रुचि लेते हैं और गणेश उत्सव में भी विशेष रूप से सहयोग करें आपका स्वागत है दिव्येश नमस्ते तो शुरुआत आपसे ही करनी चाहिए स्वागी इस बार कोविड के बाद का जो समय है उत्सव के बारे में परिकल्पना करते हुए कई प्रकार के और चिंतन आपके मन में रहे होंगे बताइए क्या क्या प्रारूप रहा आपके मन में और पंद्रह सितंबर से क्या हो रहा है पहले तो सबको जो भी रिवर्स अभी का प्रोग्राम देख रहे हैं सबको जय श्री गणेश एंड सबको सादर प्रणाम आ, ये जो चौथा वर्ष है तो आपको तो पता है कोई भी प्रोग्राम करते हैं चाहे उस टाइम पे करोना हो या हैरिकेन हो या कुछ भी हो बट तकलीफ़ें आती है और आपको उसके साथ संघर्ष करके आगे चलना होता है तो गणपति ने जो भी मुझे श्रद्धा से मुझे जो काम दिया है तो वो मैं लास्ट ईयर भी हमने करोना में भी किया था और इस साल भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और मेरे साथ में जो आप अभी जो दो महारथी को यहाँ देख ही रहे हो जो मेरे साथ में है और कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं हमारी पूरी टोटल तीस पैंतीस लोगों की वॉलेंटियर्स की टीम है और एवरीबॉडी सपोर्टिंग सो ये भाग्य है कि इतने सारे लोग जुड़ के सपोर्ट करके काम कर रहे हैं और दूसरा इस uh, साल हम लास्ट uh, ईयर हमने दूसरी जगह पे किया था बिकॉज ऑफ ये कोरोना की वजह से पक्का जी का जो गोडाउन था uh, माया फूड का वहाँ पे हमने किया था बट दैट वाज आल्सो ग्रैंड सक्सेस ये साल हम लोग सेम जगह पे टू थर्टी सिक्स ज़ीरो टू वाई एम सी ए पड़ेवान फील्ड में हम कर रहे हैं जो साइड एवेन्यू पे है और उस क्वींस uh, बेलरोज के बेलरोज एरिया में है और ज़्यादातर तो, तो हम बहुत बड़ा लेवल पे नहीं कर रहे बट छोटे लेवल पे भी नहीं कर रहे हैं तो वी हैव लाइक टेंट वाटर प्रूफ टेंट एंड वी आर डूइंग हम लोग वहाँ पे गणपति की सुबह शाम आरती होगी पाँच दिन और हमारा पहले दिन जो स्थापना हम जो कर रहे हैं वो एवरी ईयर आई डू समथिंग न्यू न्यू नए प्लान लेके आते हैं हम लोग और करते हैं तो इस बार भी बहुत नया चीज़ आ, हम कर रहे हैं बट वो हमारे पक्का जी बताएंगे क्योंकि अगर मैं ही सब बोल दूंगी तो दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो ये जो बात आपने कही यहाँ से मैं बोलने का मौका ले लेता हूँ हाँ. पक्का जी के पास जाने से पहले मैं दिव्य जी के पास जाता हूँ ये बात लेकर के कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं दिव्य जैसे कि गणेश उत्सव है तो अपना बाकी के काम का छोड़ के इनके साथ जुड़ने की एक ललक अंदर से आती है तो आप बताएं भारत में कभी गणेश उत्सव में सम्मिलित होने का या जो भी आपके यादों में रहा होगा और क्या ख़ास बात आप देखते हैं इस आने वाले उत्सव में नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल आई वु लाइक टू से थैंक यू आईटीवी गोल एंड अशोक जी खूब खूब धन्यवाद आपका हमारी गणेश उत्सव की टीम को हम आए इधर बुलाया है तो अशोक जी फॉर ऑल्सो यू नो जब हम काम करते हैं कोई भी कम्युनिटी वर्क और ये गणपति दादा जो है गणपति वो हम जानते सब लोग विघ्न है कोई भी कार्य करते हैं चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी अपना पर्सनल हो कम्युनिटी हो हम हमेशा गणपति जी को याद करते हैं हम और बहुत सारे अपने इंडियन कल्चर में इतने सारे त्यौहार हैं हम मनाते हैं तो गणपति जी का जो एक त्यौहार है मैं भी जब अहमदाबाद में था तो अब हम नवरात्रि भी धाम धूम से करते थे मैं तो सिंगिंग भी करता था वहाँ तो ऐसे ही हम गणपति का भी वहाँ करते थे तो जब सुभाग सुभाग जी ने बिफोर फोर इयर्स जब ये पहली बार हमको बताया कि ऐसा एक मन में ख्याल आया जो उन्होंने जो बीज रोपा अभी एक वटरुक्स बन गया है मैं ऐसा बोलूँगा इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं तो एक अंदर से प्रेरणा आती है जब गणपति जी का इतना बड़ा महोत्सव न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम हो रहा है और वो भी एक दिन नहीं दो दिन नहीं फाइव डेज और पाँचों दिन हम इतने मतलब जैसे हम मशगूल हो जाते हैं जैसे एक त्योहार बन जाता है हमारे लिए तो कई मीटिंग कितने महीनों पहले से चालू हो चुकी है तो हमारा जो है ये त्योहार तो ऑलरेडी चालू हो गया है तीन चार महीनों से और जब ये विसर्जन होगा तब भी ख़त्म नहीं होगा तब वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर तो so, आपके पास मैं वापस आता हूँ जी और पक्का जी आपकी उपस्थिति से भी एक प्रेरणा का संचार होता है क्योंकि आप ईमानदारी से निष्ठा से जो भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा है उसके साथ जुड़े रहते हैं आपने पहले भी इस गणेश उत्सव में हिस्सा लिया है आरती करने का अवसर भी आपको वहाँ पर हुआ है तो कैसा अनुभव आपको हुआ वहाँ से शुरू करके इस बरस क्या विशेष बात हो रही है सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अपने आपके स्टूडियो में हमको बुलाया और हमारा व्यू जानने के लिए कोशिश की तो थैंक यू वेरी मच अशोक जी फॉर देट सबसे पहले तो जब हम आ, जो एक्चुअली मैं तो तीन साल से जुड़ा हुआ हूँ फ्रॉम डे वन भी मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ एक दो मिनट बिल्कुल कि तीन साल पहले जब इंडिया में था मैं जनवरी फरवरी में तो सुहाग जी मेरे घर पे आई उसने मुझे बताया कि मुझे ड्रीम आया है और ड्रीम में गणेश मुझे कहते हैं कि मुझे इधर से अमेरिका ले जाओ सच्ची बात है तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं अगर आपका ड्रीम है तो आई विल हेल्प यू आउट तो जब वो अमेरिका आए तो मैंने बोच सोचा कि भूल गई होगी तो, सपनों की बात है हुँ. लेकिन सिक्किप रिमाइंडिंग में उसने मुझे बताया कि नहीं हमको भी इंडिया से गणेश जी की मूर्ति लाना है तो देन वी स्टार्ट सर्चिंग देन वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर लाइक मार्च और अप्रैल इन रियल लाइफ स्टार्टेड दैट मूर्ति को मुझे चौदह फुट की चाहिए अभी चैलेंज हो गया मैंने बोला कोई बात नहीं दो तीन पीस में लेके आएंगे और बोलते दो तीन पीस नहीं मुझे वन पीस चाहिए तो ऐसे डे बाय चैलेंज और बढ़ गई तो तेरह फुट चौदह फुट की वन पीस मूर्ति इंडिया से लाने का लाने का तो दूसरी बात है अभी आया बनाने का कि भी वॉट सी वॉन्ट तो उसने मुझे बताया कि ऐसी मुझे चाहिए तो हमने वहाँ की एक दो फ्रेंड की हेल्प लेके हमने मूर्ति वहाँ बनवाई wow. और उसको स्टडी बनवा स्टडी किया अंदर से फ्रेमिंग वर्क करके इंजीनियरिंग थोड़ा काम करके एंड वी मेक इट्सट्रॉन्ग एंड वहीं से हम ट्रांसपोर्ट करके अमेरिका लेके आए क्या बात है सर फ्रॉम दैट डे आई एम विथ गणेश और तब से मुझे गणेश जी का सेवा करने का मौका मिलता है और आरती मैं ही उतारता हूँ बहुत ही सुंदर तीन है। साल तक कंट्रीज मैंने आरती उतारी है सबसे पहले और आई जॉइंट विथ हर फ्रॉम डे वन अभी जब गणेश का उत्सव होगा पाँच दिन का लेकिन हम वर्क कर रहे हैं ऑलमोस्ट तो, दो तीन महीने से सो दैट इज़ माई इंटीमसी विद गणेश जी दैट आई एम लाइक कनेक्टेड टू द गणेश जी एंड बहुत प्यारा लगता है बहुत प्यारा लगता है और, इस, और अच्छा भी लगता है कि भाई हमारा जो इंडियन लोग है यहाँ जो रहते हैं जो बच्चों लोग को तो इनके लिए एक गणेश जी मूर्ति देखना इतनी बड़ी मूर्ति आके देखना और उसके बारे में सोचना और मदर फादर को सवाल करना कि कैसी है हाथी का फेस क्यों है किड्स आर यू नो दे आर ऑलवेज क्वेश्चन दर फादर एंड उसके लिए फादर मदर को भी सीखना पड़ता है कि भैया गणेश जी की मूर्ति के सर पे हाथी का शीर है और बाड़ी ह्यूमन की है तो उनको उनके बच्चे को आंसर करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो, तो सीखना पड़ता है तो दिस वे विच दे आर इंटरएक्ट विथ अवर संस्कृति वन वी और अदर एंड बहुत अच्छा लगता है ऐसा काम करने में लगता है कि भैया हम कुछ सहभागी है हमारी संस्कृति में दैट इज अ फीलिंग हाई हो ऑल द टाइम बहुत ही सुंदर पक्का जी हर्षद पटेल जी ने अपना अनुभव बताया इस उत्सव में uh, किस तरह से वो जुड़े प्रारंभ से ही और आरती करने के साथ साथ जो चौदह फिट की मूर्ति जो कि इस बार भी आने की तैयारी में है भारत से ही आ, आ गई होगी अभी सुहाग जी बताएंगे तो एक आनंद का भाव जो गणपति भगवान के स्वरूप के साथ ही रहता है और उनके हाथ में जो लड्डू होता है तो वो ऐसा संत कहते हैं कि ये बात समझाता है हमको सुहाग जी कि हमें अपना आनंद अपने साथ लेकर जाना चाहिए जहाँ भी जाए किसी पर निर्भर नहीं हो तो इस तरह के कुछ सांकेतिक बातें भी जैसे पका जी कह रहे थे तो उसके बारे में चिंतन करने का अवसर ये गणेश उत्सव देता है फिर एक बार आपके पास इस बार कुछ चुनौतियां हर कार्य को करने की पहले से अधिक हैं वहाँ आपको गणपति भगवान की प्रेरणा से जो अंदर से बल आपका बना रहा उसके बारे में कुछ बताइए बल तो ऐसी बात है कि जब आपने कोई चीज अपने मन से तन से अगर करना चाहते हो किसी भी जगह पे कोई भी काम है तो मुझे नहीं लगता है कि वो आप काम नहीं कर सकते हो बट यू हैव टू बी सिंसियर इन दैट प्लेस सो so, ये सबसे पहला जो काम करने का तरीका है बट ये तो एक भगवान ने मुझे सेवा ही दे दी है तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे कोई स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं वो है, वो खुद करवा रहे हैं या तो मैं तो मानती हूँ खुद मैं मेरे को भगवान ने ये काम दिया ही इसीलिए कि मैं कर सकती हूँ इसीलिए दिया है तो मैं उनका तो जितना भी शुक्रिया अदा मानूँ उतना कम है और ये जो अभी मूर्ति की बात हुई ये मूर्ति अभी तक अमेरिका में किसी ने वन पीस मूर्ति नहीं बनाई है दिस इज द फर्स्ट गणेश जी का आइडल है जो न्यूयॉर्क में वन पीस है फोर्टीन फीट हर जगह पे हम किसी की बुराई नहीं कर रहे बट कहने का मतलब है कि जो ड्रीम था, था, था जो विशेषता है वो हम आपको बता रहे हैं सब भगवान है चाहे वो कहीं पे भी हो छोटे बड़े सब भगवान ही है हमको दिल से मानना पड़ता है तो इस बार जो चुनौती आई है उसमें हम लोगों ने कितनी बार फ्लायर चेंज करना पड़ा पहली बार हमने फ्लायर में डाला कि हम जूम में करेंगे फिर दूसरी बार हमने सोचा कि नहीं अभी थोड़ा सा अच्छा हुआ है तो ज़ूम का निकाल दिया बोले लाइव करेंगे अभी ऐसा लग रहा है कि ये डेल्टा आ रहा है तो थोड़ा ऐसा हो रहा तो बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही है तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा लाइव और थोड़ा जूम इस कर इस तरीके से करेंगे बट हर एक चुनौती में हम लोग सही सही निकलेंगे वो हम वादा करते हैं कि प्रोग्राम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और आप लोग सब आओगे तो आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपको वहाँ पे जो भगवान की मूर्ति है जैसे मैं तीन चार साल से देखती हूँ जो भी बंदा आता है उनके दर्शन करने वो वहाँ से हिलता ही नहीं है क्योंकि उनकी जो 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 इनकी जो आँखें हैं जो उनका जो फेस है वो इतनी उन उसमें से वो लोगों को ब्लेजिंग मिलती देते हैं कि लोग वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेते हमको कहना पड़ता है कि प्लीज़ अभी दूसरे को आने दो सो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ गणेश जी का आशीर्वाद है और इस बार हम लोग गणेश जी का पूरा हम बगी के अंदर गणेश जी की परेड निकाल रहे हैं और uh, बैंडवाजा के साथ सो दिस इज ऑल्सो समथिंग न्यू हम लोग 2019 में हमने हेलीकॉप्टर से भगवान के ऊपर फूल परसा की थी सो so एवरी ये परेड कब होगी परेड हमारी होगी 15 फाइव ओ क्लॉक फ्रॉम टू फोर्टी टू से शुरू होगी और टू थर्टी सिक्स पे खत्म होगी बहुत ही सुंदर है तो ये एक नया अवसर रहेगा भव्य और दिव्य रथ यात्रा मान लीजिए उसमें भी सम्मिलित पंद्रह सितंबर का दिन जो है वो आप कहीं नोट कर लें बुधवार का दिन है वैसे पर फिर भी शाम का वक्त और जो जो पहुंच सकें वो उस वक्त पहुँचे नहीं तो बाद में भी वहाँ पहुँच आनंद ले सकते हैं ये जो उत्सव है इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो थोड़ी सी सूचना मिलती है थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं पर स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर जो भाव बनता है वो तो आप वहाँ पहुँच ही अनुभव उसका ले सकते हैं और पाँच दिन का ये जो कार्यक्रम है इसमें इस भक्ति तो निश्चित रूप से है ही है जैसे उन्होंने कहा स्वरूप के दर्शन करते हैं भगवान की कृपा वर्षण हो रहा है ऐसा भाव वहाँ पर आता है पर उसके साथ साथ और भी कई बातें सुहाग जी को अनुभव है बहुत बरसों से इवेंट्स कई तरह के ऑर्गेनाइज करती रही हैं तो जो एक कला माध्यम है वो भी इस गणेश उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं और वैसे भी दिव्य जी आपका नाम भी दिव्य है और भारत की जो कलाएं हैं वो सभी दिव्य की आराधना को समर्पित रहती हैं आप कल्चरल एंगल से भी इस उत्सव में कुछ सहयोग कर रहे हैं बताइए क्या क्या yeah. एक्सपेक्ट कर सकते हैं या yeah, जैसा पक्का जी ने कहा आ, मैं भी आई फील ब्लेस माई सेल्फ पहले ही दिन गणेश उत्सव का जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ एंड बहुत सारे प्रोग्राम जैसे आपने बताया कि गणपति जी की आरती है स्तुति है वो तो हर दिन सुबह शाज होती है लेकिन साथ में अपना जो एक जो इंडियन कल्चर है वो हमेशा अपना जो संस्कृति है तो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी हम रखे हैं वहाँ सिंस लास्ट थ्री इयर्स। लास्ट ईयर कोरोना वायरस था तो हमने ऑन लोकेशन पे नहीं किया था लेकिन जो इन पर्सन करते थे उससे भी बहुत सारे प्रोग्राम हमने इंडिया से लाइव uh, और आर्टिस्ट को हमने एक दिन में तीन तीन चार चार पाँच पाँच बड़े बड़े आर्टिस्ट का हमने जूम पर भी कंटिन्यूस प्रोग्राम किया था तो अभी भी जो है इस टाइम जो हम देख रहे हैं जिस तरह से जा रहे हैं तो लाइव लाइव एंड जूम दोनों कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे इंडियन डांसिस होते हैं सॉन्ग्स होते हैं ऐसे भक्ति भाव वाले भी सॉन्ग्स एंड डांस होते हैं एंड एक बड़ी बात मैं बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कल्चर के ही लोग इसमें सम्मिलित होते हैं हमारे यहाँ लास्ट ईयर जो 2019 में हुए थे तो आउटसाइड ऑफ इंडियन कल्चर के भी लोग आए थे जैसे दूसरे नेपाली है या दूसरे भी कल्चर वाले लोग वो भी हम सम्मिलित हुए थे उसने उन लोगों ने भी डांस किया था तो ऐसा भी नहीं है कि भाई तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं और सभी अपनी जो संस्कृति है उसको प्रचारित हो गणपति का जो उत्साह उसके माध्यम से और बहुत सारे लोग वहाँ आके एंजॉय करते हैं और हमको सामने से पूछते हैं कि आज कौन सा प्रोग्राम है आज क्या है आज कौन आने वाला है तो हम गरबा भी रखते हैं एक दिन हमारा गरबा भी है इस दिन फ्राइडे को तो प्लीज़ एवरी वन रिक्वेस्ट कॉम एवरीडे हमारा जूम वा भी जूम के माध्यम से भी या इन लाइव बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम गणपति के उत्सव के साथ भी हो रहा है तो प्लीज़ ज्वाइन एवरी वन बहुत धन्यवाद है दिव्य जी आपका और बात हम कर रहे हैं गणेश उत्सव की शुरू हो रहा है पंद्रह सितंबर से चलेगा पाँच दिन उन्नीस सितंबर तक उन्नीस सितम्बर का दिन रविवार का दिन है और शुरुआत जो हो रही है जैसा कि एक रथ यात्रा गणेश जी के साथ जो निकलेगी वो होगी पंद्रह तारीख को पाँच बजे से और वैसे प्रतिदिन जो उत्सव का समय रहेगा वो सुबह दस बजे से रात के नौ बजे तक रहेगा और बाकी जैसी स्थिति होगी जूम पर भी आरती का आनंद ले सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी अगर कुछ स्थिति में बदलाव होता है तो भी समय समय पर सूचनाएं आपको दी जाएंगी पर मैं ये बात आपके साथ याद कर लेना चाहता हूँ स्वयं भी कि 15 को 5 बजे से शुरू होकर ये उत्सव चलने वाला है 19 तारीख की शाम 6 बजे तक यानी रविवार की शाम 6 बजे तक और हर दिन आरती कब होगी पक्का जी से इस बारे में जानकारी लेने के साथ साथ आगे की बातों में मैं आपको ये भी निवेदन करूँगा कि आप अपनी तरफ से तो सहयोग कर ही रहें पर जब इतने बड़े पैमाने पर कार्य होता है तो उसमें और भी संसाधनों की आवश्यकता होती है जैसे बताया तीस पैंतीस लोग मिलकर कर रहे हैं वो बहुत ही उत्साह को बढ़ाने वाली बात है पर और भी जो हमारे दर्शक हैं ये कार्यक्रम देखते सुनते वो किसी रूप में योगदान अपना करना चाहें तो आर्थिक रूप से भी क्या प्रावधान है कि जुड़ सकें लोग आर्थिक रूप से तो ये कोई भी प्रोग्राम बिना पैसों से हो ही नहीं सकता पैसों जरूर वेरी इंपॉर्टेंट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसी बार हमने क्या किया है कि ऑल ऑल द टाइम वी हैव स्पॉन्सर सो स्पॉन्सर्स हमको सपोर्ट करते हैं और हम दूसरे दूसरे पीपल को टच करते कि भाई कोई भी अगर स्पॉन्सर हो जाए तो वी आर कीप लुकिंग फॉर द स्पॉन्सरर्स क्योंकि ये इतना छोटा प्रोग्राम नहीं है और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एब्सोल्युटली क्योंकि बड़ा बड़ा टेंट लगाने का पुलिस अरेंजमेंट करने की क्लीनिंग सिक्योरिटी और ट्रांसफॉर्मर लाने का जनरेटर लाने का और नहीं इससे बेसिक कलाकार तो और तो अलग है लेकिन बेसिक एक्सपेंस ही बीस पच्चीस हज़ार से ऊपर है और कलाकार और, और सब स्टूडियो वाले वा आएंगे लाइटिंग तो देर आर सो मच एक्सपेंस बहुत कुछ करीबन हमारा पहली बार हुआ था सेवेंटी फाइव से एट्टी थाउजेंड का एक्सपेंस हुआ था लास्ट टाइम जो हुआ फोटी फाइव प्लस हो गया था क्योंकि वी हैव टू कॉल अ कलाकार फ्रॉम इंडिया वी हैव टू पे देम इस टाइम भी हमारा बजट है पचास पचपन का तो है तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कम ज्वाइंट और हमारा जो खर्चा है वह आरती से निकलता है थोड़ा बहुत आरती से कोई लोग पेटी में पैसा डालते हैं और देर आर सो मैनी पीपल बिकम अ स्पॉन्सर कोई हंड्रेड डॉलर्स देते हैं हंड्रेड फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड ऐसा करके पर अब तक हम ब्रेक इवन हुए हैं पैसा बचता नहीं है लेकिन प्रसंग बिल्कुल हमारा अच्छा हो जाता है तो, तो मैं ये गणेश जी के साथ में प्रार्थना आप सबको साथ लेते हुए पहुंच रहा हूँ कि इस बार ब्रेक यून से ज़्यादा जाना चाहिए तो और अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए भी वो जो राशि बचेगी अगर जो कि बचेगी <laughs> तो, तो उसका उपयोग और अच्छे कार्यों के लिए हो सकता है और इस सब के लिए सब उदारता से आगे आए ऐसा अनुरोध करते हुए विशेष जानकारी जो है वो आजकल सब ऑनलाइन आप प्राप्त करते हैं तो गणेश उत्सव न्यूयॉर्क डॉट ऑर्ग है वेबसाइट वहाँ पर जाकर सारी डिटेल्स पता की जा सकती हैं फिर एक बार मैं पक्का जी के पास आऊँगा पर सुहाग जी आप ये बताएं कि जो कलाकारों को बुलाने वाली स्थिति तो इस बार रहे रहे ना भारत से कि आ रहे हैं कुछ कलाकार नहीं अभी जो जिनके पास सिटीजन है या ग्रीन कार्ड होल्डर है कलाकार वो खाली आ सकते हैं या तो ओ वन ओ वन जो शूटिंग के जो शूटिंग जो उन लोगों का कन् है वो लोग को ये लोग आ, कोई दूसरे लेवल पे वीज़ा देते हैं बट यू के दे अभी आ, इमिग्रेशन में वीज़र वीज़ा तो टोटली तो बंद ही है तो इस बार कोई भी कलाकार आ नहीं सकता है और आपने देखा होगा कि ये इंडिया डे परेड में भी किसी जगह पे कोई आर्टिस्ट यहाँ के नहीं आए जो बेसिकली कैलिफोर्निया वगैरह रहते हैं उन्हीं को बुलाया गया है तो इस बार इंडिया से तो कोई कलाकार नहीं आएगा बट हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई जो यहाँ है उनको हम डे वन के दिन बुलाना चाहते हैं बट अभी कंफर्मेशन इसीलिए नहीं है कि एवरीबॉडी इज़ नॉट कन्फर्म विथ अस कि भी उस दिन क्या होगा लाइक hmm. like अभी जो ये हालात है इसलिए कोई कंफर्मेशन यहाँ का भी नहीं मिल रहा है बट हमारा प्लान है हम एवरी ईयर कोई ना कोई आर्टिस्ट तो बुलाते ही है तो इस बार भी हम कोई फिल्म आर्टिस्ट बुलाना चाहते हैं पहले दिन तो एक वीक पहले पता चल जाएगा और विघ्न अनाउंस दैट कि कौन आ रहा है या तो नया फ्लायर बनेगा और हम अनाउंस करेंगे बहुत ही सुंदर बात है और मुख्य जो केंद्र है वो गणपति भगवान है तो गणपति भगवान की आराधना हर कार्य के प्रारंभ में की जाती है वो कर्ता भी कहे जाते हैं हर्ता भी हैं और वक्र वक्रतुण्डाय धीम तन्नो दंती प्रचुरया तो वक्र तुंड मतलब उनका जो सूंड है उसका भी एक स्वरूप है और जो एक दंत है उसका भी विशेष महत्व है कि एकाग्रता की साधना की दृष्टि से वो प्रेरित करते हैं और बहुत सारी कथाएं उनमें से एक कथा का संदर्भ लेते हुए जिसमें ये स्थापित होता है कि वो कितने बुद्धिमान हैं तो उन के साथ संपर्क करते हुए हम अपनी बुद्धि के प्रचोदन के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ठीक समय पर ठीक ठीक बात हम सोचें और उसके अनुसार कार्य करने में गणपति हमारे सहयोग करें उनका उनकी अनुकंपा हम पर रहे तो इस उत्सव की सफलता के लिए प्रार्थना तो है ही है आप सबके जीवन में भी मंगल हो और ये जो चुनौतियां हैं कोविड इत्यादि की वो दूर हो उस दृश्य में भी ये पाँचों दिन जो हैं एक सघन ध्यान पूर्वक प्रार्थना के रहेंगे तो आपको जरूर वहाँ पर साक्षी के रूप में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए दिव्य जी आप बताएं कि जो गणपति भगवान का स्वरूप है आप इस बार क्या विशेष प्रार्थना अपने मन में रखे हुए हैं इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए गणपति जी की जो ये मूर्ति है जैसा सुभाष जी ने बताया पहले कि आप देखोगे तो अद्भुत है और आपने जो बताया कि उसका हर एक अंग जो है गणपति जी का वो कुछ ना कुछ हमको जीवन में सिखाता है और बहुत संयम सहनशीलता पराक्रमी भी है जब चाहे यू नो ईविल का नाश भी है तो परम कृपालु भी है तो ये सभी चीज़ें हमको गणपति जी से मतलब आशीर्वाद उसके जैसा तो नहीं लेकिन हम ब्लेसिंग के रूप में मांगना चाहिए हमको कि हमको भी वो संयम दे हमको भी वो सहनशीलता हमको वो सफलता दे और हम गणपति जी की प्रार्थना इसीलिए ही करते हैं कि हमसे भूल से भी कोई भूल ना हो अगर भूल हो जाए तो उसकी क्षमा प्रार्थना है तो यही प्रार्थना के साथ हम हर वक्त ये हमारा फोर्थ गणेश उत्सव है तो हम हमेशा गणपति जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको भी वो सब ब्लेसिंग के स्वरूप में दो कि जो सबका जीवन में प्रगति हो और जो भी दर्शन करने आए वो गणपति जी का वो सबको भी जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे बहुत बहुत धन्यवाद दिवेश जी मैं अपने uh, दर्शकों के साथ सूचना फिर से एक बार बांट लेना चाहता हूँ एंड प्रॉब्ली विल शेयर द प्रोमो विच हैज ऑल द डिटेल्स वन मोर टाइम एंड देन वी कम बैकुर्टी गणेश उत्सव न्यूयॉर्क एंड एंटरप्राइजेस ब्रिंग यू फोर्थ बिगेस्ट गणेश उत्सव September 15th to September 19th, 2021 at Battlefields, Belarus. Daily Arthi and Darshan. Stavna, September 15th at 5 pm. Bisarjan, September 19th at 5 pm. Accompanied with Bollywood star appearances, fashion show, food, shopping. फ्री पार्किंग, फ्री एंट्री, विन बिग रफल प्राइज़स, फॉर डू स्पॉन्सरशिप कॉल 5163245230 गणेश उसव न्यूयॉर्क डॉट आर तो फ्री पार्किंग आपने देखा, फ्री एंट्री आपने देखा और साथ में जो फ्रीडम होती है हमारे जीवन की जिसे हम मुक्ति कहते हैं उसके भाव तक पहुंचाने में भी गणपति भगवान के दर्शन से लाभ होने ही वाला है बहुत कम समय हमारे पास रह गया पक्का जी मैं आपसे फिर एक बार ये अनुरोध करूँगा कि आप विशेष रूप से जो आनंद आपको आता है इस गणेश उत्सव में तो कोई ऐसा क्षण जो पिछले समय का रहा हो जो आ, जिसे आपको बहुत ऐसा लगा कुछ रास्ता नया दिख गया हो या ऐसा कभी कभी हो जाता है रास्ता तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है सच्ची बताओ लेकिन जब भी मैं गणेश जी के पास रहता हूँ तब तक मैं किसी को भी याद नहीं करता मुझे बस वही एटमोसफेयर अच्छा लगता है सबसे अच्छा एटमोसफेयर लगता है कि भी दिस इज़ अ बेस्ट एटमोस्फियर ऑफ माई लाइफ और आई ट्राई टू स्टे देर एज मच एज पॉसिबल मेरा पूरे का पूरा ध्यान उस वो जगह पे ही रहता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग गणेश जी के पास रहता हूँ सब काम छोड़ के और अब कोई ऐसा अर्जेंट काम उसी टाइम याद भी नहीं आता है कि भाई ये काब छूट गया ये करने का है तो न पक्का आप इतने सरल हृदय के हैं आपने कहा कि कोई विशेष अनुभव ऐसा नहीं है फिर भी जो आपने बताया वो बहुत ही विशेष अनुभव है क्योंकि जब आपको गणपति के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा है तो जो एकाग्रता सद गई है उसमें जो एक पूर्णता का भाव है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं मिनट सिर्फ एक रह गया है सुहाग जी आप बताएँ कोई महत्वपूर्ण बात जो आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहें और मुझे लगता है कि ये ऐसा दुर्लभ अवसर है कि सभी को आना चाहिए वैसे तो कई मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं बट मैं ज़्यादा तो अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है बट मैं थोड़ी सूचना देना चाहती हूँ हमारे प्रोग्राम की कि जो हमारे जो पाँच दिन का जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर हमने बूथ भी रखे हैं लाइक शॉपिंग के लिए वहाँ पे आप आओ और वहाँ पे ज्वेलरी क्लोथ और ऑफ स्टोर है तो आप उसके लिए और पूरा प्रोग्राम भी हमने रखा है म्यूजिकल प्रोग्राम डांस प्रोग्राम और एवरीथिंग सो so, आप लोग आओ तो म्यूजिक के साथ साथ गणपति बाबा की जय जय जयकार करके उनको पांचवें साल भी बुलाओ ये मेरी प्रार्थना है बहुत सुंदर सुहागी आपका धन्यवाद दिवेश त्रिपाठी जी आपका धन्यवाद है और जी हर्षद पटेल जी आपका धन्यवाद है और सबसे बड़ा धन्यवाद गणेश जी का है जिनकी प्रेरणा से जिनकी कृपा से इस तरह के आयोजन होते हैं जो हमें हमारे भीतर के सर्वोत्तम आनंद का स्पर्श यहाँ न्यूयॉर्क में सुलभ करा देते हैं तो सुहाग जी को बहुत सारा धन्यवाद है दिवेश जी और पाका जी आपको भी बहुत धन्यवाद पाजी बहुत बहुत हमदेश के साथ में फिर एक बार क्विकली गणेश उत्सव न्यूयॉर्क डॉट आप जरूर चेक करें अशोक व्यास को अनुमति दें नमस्कार